Now another examples with respect to for loops. इस example के केस में कुछ bitwise operations involve किए like a masking operation, masking bit of the variables from right to left. इस program one by one solve करेंगे. This program may takes a little bit extra time compared to other applications because of just in that case we are involving bitwise OR operation, bitwise left shift operations. We are discussing one by one. First one, जैसे इस प्रोग्राम के केस में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, one more things. इस केस में मैंने आउटपुट डिवाइस मॉनिटर स्टैक डायग्राम ऑलरेडी क्रिएट कर रखे, प्लस टेबल राइट के रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग बाइनरी नंबर्स, मीन बाइनरी नंबर्स को क्रिएट करने के लिए इस टेबल का हेल्प यूज करेंगे. नेक्स्ट में फर्स्ट वन वन देन टू. टू के केस में फर्मीसर इनिशियली जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर होगा देन मेमोरी एलोकेट कराएंगे इट्स लोकल वेरिएबल्स, वेरिएबल सी, वेरिएबल आई, वेरिएबल एम. सी का टाइप कैरेक्टर, इसलिए सी के लिए एग्जैक्टली कितने बाइट्स एलोकेट करेंगे, ओनली वन बाइट्स. जबकि आई और एम के लिए कितने बाइट्स होंगे, टू बाइट्स फॉर आई, टू बाइट्स फॉर एम. फर्स्ट ऑफ वन, जैसे इस केस में एग्जीक्यूशन कंट्रोल एंटर होगा देन मेमोरी किसके लिए एलोकेट कराएंगे, सी देन आई देन एम इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स. इस केस में एज्यूम करेंगे मींस इस करंट ब्लॉक का साइज एग्जैक्टली वन बाइट. देन आई के केस में आई का टाइप इंटीरियर, इसलिए इस ब्लॉक रिमेनिंग ब्लॉक का साइज क्या, समथिंग टू बाइट टू बाइट, और वी कैन से एट बिट्स, सिक्सटीन बिट्स, सिक्सटीन बिट्स, लाइक दैट. देन परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस, थर्ड वन, लूप के रिस्पेक्ट में सबसे पहले परफॉर्म हुआ इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन के केस में टू एक्सप्रेशन हैं, आई इक्वल्स टू वन कॉमा एम इक्वल्स टू वन. फोर्थ सिक्वेंस, फोर्थ सिक्वेंस के अकॉर्डिंग आई एंड एम में असाइन क्या कराएंगे, एग्जैक्टली वैल्यू एज वन वन. नेक्स्ट थिंग्स कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जब कंडीशन टेस्ट करें तो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया समय एक्सप्रेशन आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव, आई के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे करंट वैल्यू ऑफ आई विच इज वन, वन लेस देन इक्वल्स टू फाइव, कंडीशन इज ट्रू. ट्रू देन चांस किस को प्रोवाइड करें, टू द बॉडी, मीन्स इस कंडीशन टेस्टिंग का सिक्वेंस क्या था, फाइव. कंडीशन टेस्टिंग के सिक्वेंस में टॉप पे मार्क करें समय आई प्लस प्लस के सिक्वेंस, बॉटम पार्ट में इसके जस्ट नीचे राइट डाउन करें जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन. फिफ्थ सिक्स केस में परफॉर्म क्या हुआ, एग्जीक्यूटिंग दिस प्रिंट एफ फंक्शन. प्रिंट एफ के केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, ऑपरेशन एज सी और बिटवाइज और एम. तो सी और बिटवाइज और एम के केस में सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी नंबर ऑफ वेरिएबल सी, बाइनरी नंबर ऑफ वेरिएबल एम, प्लस ये ऑपरेशन कितने बिट्स में परफॉर्म करना है, 16 बिट्स में. ड्यूरिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑलरेडी डिस्कस किया था, कोई बिटवाइज ऑपरेशन 16 बिट्स में परफॉर्म होगा, प्लस इसके रिजल्ट्स भी किस फॉर्म में आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स. सी का डेटा टाइप क्या है, सी का इनिशियल वैल्यू क्या था, 48. सी के केस में डेटा टाइप क्या है इसका, कैरेक्टर. कैरेक्टर्स के केस में साइज क्या है, ओनली 8 बिट्स, ओनली 8 बिट इन्फॉर्मेशन मैनेज करना पॉसिबल. 48 के केस में सी का वैल्यू 48 है, इसमें रिक्वायर्ड क्या है, बाइनरी वैल्यूज, और 48 का बाइनरी क्या आएगा, 48 इज इक्वलेंट टू 32 प्लस 16. इस केस में 32 और 16 के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, 1 1, रिमेनिंग बिट्स आर 0 0 0. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 48, मीन्स 1 1 4 times 0, क्या आएगा इस केस में, 1 1 4 times 0. रिमेनिंग बिट्स कंसिडर करेंगे 0 0. इस रियल में सी का टाइप क्या है, कैरेक्टर्स लिए इन्फॉर्मेशन कितने बिट्स में राइट डाउन किया मैंने, ओनली 8 बिट्स. सेम एज एम, एम के केस में करेंटली एम का वैल्यू 1 फाउंड हो रहा है, इसलिए एम का बाइनरी नंबर क्या है, 1, रिमेनिंग टाइम्स आर 0. लेकिन एम का डेटा टाइप इंटीजर फाउंड हो रहा है, इसलिए ऑपरेशन, और एम का बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में राइट करेंगे, 16 बिट्स के फॉर्म में, 0 0, देन रिमेनिंग आर 0. देन 16 बिट्स का बिटवाइज ऑप्शन 16 बिट्स के साथ परफॉर्म करना पॉसिबल है. सी के केसेस में सी का बाइनरी नंबर 8 बिट्स में कैलकुलेट हुआ, लेकिन ऑपरेशंस कंप्लीट करने के रिगार्डिंग इंसर्ट क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 8 बिट्स. तो एक्स्ट्रा 8 बिट्स के हम सेम एज साइन बिट, सी के केस में साइन बिट फाउंड हो रहा है 0, इसलिए रिमेनिंग बिट्स डिफॉल्ट बिट्स इंसर्ट करा लेंगे ऑल टाइम्स 0. एट 0 0. नेक्स्ट वन, इन दैट केस परफॉर्म क्या हो रहा है, और ऑपरेशंस, वो और ऑपरेशंस के रिजल्ट्स कितने बिट्स में आएंगे, 16 बिट्स के फॉर्म में, सी और
m बिटवाइज और m रिजल्ट, अगर एक भी बिट वन फाउंड हो रहा है वन, रिमेनिंग केस में क्या आएगा जीरो 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 जीरो, अगेन वन फाउंड हो रहा है इसलिए वन वन, रिमेनिंग टाइम्स जीरो जीरो। इस फाइनली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, दिस वन इज 32, दिस वन इज प्लस 16, दिस वन इज 1, 32 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वलेंट टू 49। फाइनली इस केस में इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 49। 49 को डिस्प्ले किससे कराया हुआ, यूजिंग परसेंट सी, परसेंट सी के केस में डायरेक्टली इंटीजर नंबर डिस्प्ले नहीं कराया गया, इसके प्लेस पर डिस्प्ले हुआ इट्स कैरेक्टर वैल्यू। ऑलरेडी डिस्कस किया 49 किस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू है, आस्की वैल्यू ऑफ 48 इज सॉरी आस्की वैल्यू ऑफ 0 इज 48, 0 के केस में आस्की वैल्यू क्या था, इस कैरेक्टर्स के डिजिट्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आस्की वैल्यू ऑफ 0 इज कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं डिजिट्स, आस्की वैल्यू ऑफ 0 इज 48 49 50 51 52 53 एंड सो ऑन लाइक दैट। नेक्स्ट इस केस में फाइनली आस्की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुआ 49 का इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या है 1, इसलिए प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हुआ कैरेक्टर 1, दिस वैल्यू इज प्रिंटेड बाय दिस प्रिंट एफ फंक्शन इन फर्स्ट केस। सिक्स्थ केस में डिस्प्ले क्या हुआ मैसेज एस 1 जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट्स और दैट रीजंस। नेक्स्ट वन प्रिंट एफ, सेवंथ केस में अगेन परफॉर्म क्या हो रहा है वैल्यू m इक्वल्स टू m लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, m का करंट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 1, अगर 1 को 1 से लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे डायरेक्टली बताना पॉसिबल है, इस केस में रिजल्ट क्या आएगा एग्जैक्टली 2, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ये सिंगल ऑपरेशन में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इन दैट केस m, m का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 1, तो m को लेफ्ट शिफ्ट कराने के लिए सबसे पहले m का बाइनरी नंबर ऐड करें इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स लाइक दैट, 1 का बाइनरी क्या आएगा 1, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है इसलिए रिमूव 1 बिट्स फ्रॉम लेफ्ट इंसर्ट 1 बिट फ्रॉम राइट पोजिशन, इंसर्ट क्या आएगा ऑलवेज 0, इंसर्ट करने का जस्ट जो भी डेसिमल आ रहा है डेसिमल किसके इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट टू 2, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा फाइनली रिजल्ट इज 2, ये 2 मींस जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट अगेन असाइन किस में हो रहा है वेरिएबल m, मींस फाइनली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 2, 2 इज असाइन टू द वेरिएबल m, इसलिए m का न्यू वैल्यू क्या है जस्ट 2। नेक्स्ट टाइम सेवंथ के जस्ट बाद अगेन फिर से कर्सर का सेंड हुआ कंडीशन टेस्टिंग, वन मोर थिंग्स वी आर नॉट सॉरी जस्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करने के जस्ट बाद कंडीशन से जस्ट पहले कंट्रोल सेंड करें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन सेवंथ नेक्स्ट वन एट्थ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑल्सो 2, देन इसके जस्ट बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड करें एट्थ नाइन्थ केस क्या है कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में आई के प्लेस पर पुट करेंगे आई का वैल्यू विच इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है फिर से परफॉर्म क्या हुआ एग्जीक्यूटिंग दिस प्रिंट एफ फंक्शंस, प्रिंट एफ के केस में जैसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे अगेन एक्सप्रेशन में रिक्वायर्ड क्या है बाइनरी नंबर ऑफ सी, सी का वैल्यू फिक्स्ड है सी का वैल्यू क्या है 48 नेवर चेंज्ड, इसे सी के केस में कोई भी चेंज नहीं अगेन 48 का आस्की बाइनरी नंबर क्या आएगा सेम एज प्रीवियस, लेकिन इस बार करंटली m और ऑपरेशन किसके साथ हो रहा है m के साथ और m का वैल्यू क्या हो चुका है ऑलरेडी 2, इस प्लेस पर m के केस में बाइनरी नंबर भी किसका राइट करेंगे ऑल्सो 2, 2 का बाइनरी नंबर क्या आएगा दैट 1 मीन्स 1 0, तो इस केस में जब रिजल्ट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम मीन्स रिमेनिंग केस क्या रहेंगे सेम 0 0 के केस में क्या आएगा 0, 0 1 के केस में क्या आएगा 1, रिमेनिंग थिंग कैसे एग्जैक्टली सेम, सेम मीन्स 648 प्लस 2 रिजल्ट क्या इसका इक्वलेंट टू 50, इक्वलेंट टू 50 फाइनली इसका रिजल्ट क्या है नेक्स्ट टाइम 50, और 50 के केस में डिस्प्ले किससे कराया परसेंट सी से अगेन 50 के अकॉर्डिंग कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ जा कैरेक्टर 2। नेक्स्ट वन नेक्स्ट केस 10 देन 11 11th केस में परफॉर्म क्या कराएंगे मास्किंग m इक्वल्स टू m लेफ्ट शिफ्ट y 1, एम के केस में एम का वैल्यू क्या है अभी भी 2 मीन्स दैट 1,
इसको जब लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे, लेफ्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगेन परफॉर्म क्या कराएंगे, रिमूव वन बिट्स, वन बिट्स रिमूव कराने के बाद देन इंसर्ट भी क्या हुआ वन टाइम्स जीरो। नेक्स्ट टाइम इसका रिजल्ट क्या है, इट इज इक्वेलेंट टू फोर। इसका रिजल्ट क्या आएगा एज अ इक्वेलेंट टू फोर। इस बाइनरी क्या है इसका एम जीरो 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 जीरो, ऑलरेडी इसका वैल्यू प्रीवियस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग क्या हो चुका था वन जीरो वन एंड जीरो। देन इसके साथ शिफ्टिंग कराएं नेक्स्ट टाइम वन से लेफ्ट हैंड साइड से कितने बिट्स में होंगे वन बिट्स, इनसाइड भी कितने बिट्स कराएं वन टाइम्स जीरो। देन इसका रिजल्ट किसके इक्वलेंट, इक्वलेंट टू फोर। इसलिए एम का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा टू के जस्ट बाद, न्यू वैल्यू ऑफ एम इज फोर। नेक्स्ट थिंग्स अगेन इस क्वेश्चन को ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, दिस इज द करंट वैल्यू ऑफ एम इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। ऑपरेशन सॉल्व करने के बाद 11, 12 केस में परफॉर्म कराएं अगेन आई प्लस प्लस, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 3, आई का वैल्यू क्या हो चुका है इस केस में 3। देन 12 के बाद अगेन 13 केस में परफॉर्म कराएं कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या फॉर्मूला 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू। नेक्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू है फिर से 14 केस में परफॉर्म कराएंगे मास्किंग, मास्किंग के अकॉर्डिंग चेक करें इसके रिजल्ट्स क्या हैं, सी के प्लेस पर सी में कोई भी चेंज नहीं, सी का बाइनरी कैसा आएगा सेम एज प्रीवियस। लेकिन एम के केस में एम का बाइनरी क्या है दैट वन मीन सेम केस इस प्लेस पर कॉपी करेंगे, दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ एम 1 0 0। तो नेक्स्ट टाइम बिट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म कराएं दैट वन 0 एंड 0 0 जीरो जीरो जीरो, जीरो वन के केस में क्या आएगा वन जीरो जीरो, रिमेनिंग केस कैसे हैं सेम एज प्रीवियस। फाइनली इसका रिजल्ट क्या है 48 प्लस 4 इज 52, क्या आएगा 52 के रिगार्डिंग हम इस बात करें 52 के अकॉर्डिंग इस फाइनली इसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 52, लेकिन इसका करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है 52 के अकॉर्डिंग 4। तो इसलिए प्रिंट एफ से क्या डिस्प्ले होगा कैरेक्टर वैल्यू जस्ट बिकॉज ऑफ परसेंट सी, मीन्स नेक्स्ट टाइम मैसेज डिस्प्ले हुआ एज अ 4। नेक्स्ट वन अगेन प्रिंट एफ के जस्ट बाद चांस किसको प्रोवाइड हुआ 15 केस में अगेन मास्किंग एम लेफ्ट शिफ्ट वाई 1। एम के केस में अगेन परफॉर्म क्या कराएंगे, एम के केस में जो भी प्रीवियस नंबर था प्रीवियसली एम में क्या साइन हुआ था 4, मीन्स एम का जस्ट प्रीवियस वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट टाइम फिर से ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो एम के केसेस में ऑपरेशन में रिमूव वन बिट्स, शिफ्टिंग कितने से हुआ वन से, इंसर्ट भी कितने बिट्स होंगे वन बिट्स वन टाइम जीरो। देन अभी रिजल्ट किसके इक्वलेंट है 8, इसलिए एम का न्यू वैल्यू कैसा हुआ इसके इसमें 8। नेक्स्ट टाइम व्हाट इज द आउटपुट, वैल्यू ऑफ एम बिकम्स 8 देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके इसमें 4, देन सिक्वेंस क्या है 16। 17 केस में अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे आई का वैल्यू क्या फॉर्मूला 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, चेक कर दे अगेन इस ऑपरेशन का नेक्स्ट टाइम रिजल्ट क्या है 17 देन 18। रिजल्ट चेक करें सी देन व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ एम, एम के केस में बाइनरी नंबर ऑलरेडी रिटन है 1 3 टाइम्स 0 1 3 टाइम्स 0, लेकिन सी के केस में कोई भी चेंजेस नहीं है इसलिए परफॉर्म क्या कराएंगे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नेक्स्ट ऑपरेशंस 0 0 0 का 0 अगेन 0 0 1 के केस में क्या आएगा 1 बिकॉज ऑफ और ऑपरेशंस, रिमेनिंग केस में क्या आएगा 1 1 0 0। व्हाट इज द रिजल्ट 48 प्लस 16 प्लस 8 सॉरी 32 प्लस 16 प्लस 8 इज 56, क्या आएगा इस केस में रिजल्ट है 56। 56 किसके इसके इक्विवेलेंट क्या हुआ 54 55 56 का इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या है 8, इसलिए प्रिंट क्या हुआ इस केस में 8, बिकॉज इस केस में क्या आया 56 का इक्विवेलेंट कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा 8, दिस इज द आउटपुट। अगर इसके इसमें कॉन्सल्टेट किया जाए चेक करो इसके इसमें जब एम का वैल्यू 1 था डिस्प्ले भी क्या हुआ कैरेक्टर एज 1,
एम का वैल्यू इंटीजर्स के फॉर्म में 2 है, लेकिन मैसेज कैरेक्टर्स के फॉर्म में क्या है, 2। एम का वैल्यू इंटीजर्स के फॉर्म में 4 है, आउटपुट कैरेक्टर्स के फॉर्म में क्या है, 4। एम का वैल्यू जब 8 हुआ तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो रहा, ऑल्सो 8। प्रिंट एफ का नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 19 केस, 18 के बाद 19 सिक्वेंस क्या है इस केस में, अगेन एम एम लेफ्ट शिफ्ट वाई 1। अगेन एम के केस में जब इसका नंबर ऑफ वैल्यू शिफ्ट कराएंगे, अगेन ऑपरेशन क्या हुआ, रिमूविंग 1 बिट्स फ्रॉम लेफ्ट, इंसर्टिंग 1 बिट्स ऑन द राइट। तो एम के केस में इसका इक्वेलेंट वैल्यू क्या है, 2 to the power 4 मीन 16। अब वैल्यू ऑफ एम बिकम्स 16 आफ्टर दिस ऑपरेशन। नेक्स्ट वन अगेन परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाए इस केस में 5। आई प्लस प्लस के बाद मीन्स 20 सिक्वेंस, 21 के केस में कंडीशन टेस्ट कराएंगे, कंडीशन में आई का वैल्यू क्या है ऑलरेडी 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन अगेन ट्रू है तो फिर से चांस किसको प्रोवाइड करेंगे, 22 के केस में प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ में अगेन और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एम का वैल्यू क्या आएगा, दैट वन 1 4 times 0 मीन्स इस प्लेस पर क्या जाएगा 1 4 times 0 देन व्हाट इज द वैल्यू 0 0 0 0 1 1 0 0 देन बाइनरी इसका इक्वलेंट डेसिमल नंबर क्या हुआ 32 + 16 इक्वलेंट इज 48 तो अगेन इसके प्लेस पर क्या आ रहा है 48 48 का इक्वलेंट कैरेक्टर डिस्प्ले कराएंगे विच इज अगेन 0 मीन्स 8 के बाद फिर से क्या डिस्प्ले हुआ 0 0 प्रिंट होने के जस्ट बाद देन कंट्रोल सेंड ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज 23 देन शिफ्टिंग एम को शिफ्ट कराओ तो अगेन रिमूविंग 1 बिट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इंसर्टिंग 1 times 0 इट इज इक्वलेंट टू 32 मीन्स नेक्स्ट टाइम एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 वैल्यू ऑफ एम बिकम्स 32 नेक्स्ट वन परफॉर्म क्या कराएंगे इस केस में 24th केस में आई प्लस प्लस वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 6 देन 25 कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन टेस्ट करें आई का वैल्यू क्या 6 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन बिकम फॉल्स फॉल्स देन कर्सर सेंड गो आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप मीन सिक्वेंस क्या था कंडीशन केस 25 देयरफॉर इट इज 26 27 मीन्स फाइनली लास्ट सिक्वेंस क्या है इस प्रोग्राम का 26 मीन्स 27 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म दिस इज द फाइनल रिजल्ट 1 2 4 8 0